हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। सीईटी से संबंधित दोस्तों एक खबर न्यूज़पेपर में आ जाई है, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था दोस्तों, अब उन सभी का जो है डाटा चेक होगा दोस्तों, इस बारे में जो है खबर आई है दोस्तों। पूरी खबर को जानेंगे विस्तृत तरीके से। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्रॉस चेकिंग कर रही सही जानकारियां पता लगाने के लिए आयोग की पहल। 10.78 लाख परीक्षार्थियों के डाटा की जांच होगी, मिसमैच होने पर होगी कार्रवाई। बड़ा सवाल, परीक्षार्थियों का डाटा मिसमैच होने पर कार्रवाई, आयोग की गलती पर क्या? फेस ऑथेंटिकेशन भी कराया जाएगा, बेंगलुरु की कंपनी जांच कर 16 दिन में देगी रिपोर्ट। आयोग ने NTA से मांगा परीक्षार्थियों का ब्यौरा। आयोग ने इस बार अपनी पहचान परीक्षार्थी की पहचान स्थापित करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन कराने का निर्णय लिया था। अब आयोग ने यह डेटा मांग लिया है कि इस जरिए परीक्षार्थियों की डिटेल चेक होगी। डेटा मिसपैच होने पर जो भी आरोपी या परीक्षार्थी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी के अनुसार परीक्षा का रिजल्ट अगले 1.5 महीने में आने की संभावना है। इस अवधि में आयोग की ओर से सभी जाँच पूरी कर ली जाएगी। किसी अभ्यर्थी के आवेदन प्रक्रिया से लेकर परीक्षा में अवैध गतिविधि में संलिप्त मिलने तक उसका परीक्षा परिणाम रोक कर कार्रवाई भी की जाएगी। उसे आयोग से सभी परीक्षाओं से भी बाहर कर दिया जाएगा। फतेहाबाद इनविजिलेटर ने बताया आंसर कार्रवाई होगी। CET के लिए आयोग ने दोस्तों पंचकुला स्थित कंट्रोल रूम बनाया था, जिसमें 27 LED लगाई गई थी। मैं प्रदेश भर के 1200 परीक्षा केंद्रों को जोड़ा गया था। इसमें एक क्लिक पर यह मालूम किया जा सकता था कि किस सेंटर में किस तरीके की परीक्षा चल रही है। फतेहाबाद के एक स्कूल में एक अधिकारी किसी परीक्षार्थी के आंसर देखकर दूसरे को बताता नजर आ रहा था। आयोग ने यह वीडियो संबंधित स्कूल प्रशासन को भेजकर आरोपी पर कार्रवाई के लिए लिखा है। आयोग के अधिकारियों का कहना कि पूरा रिकॉर्ड जांचा जा रहा है। खामी के बारे में आयोग को बताए परीक्षा से वंचित युवा। दोस्तों कुछ परीक्षार्थी जो वंचित रह गए थे परीक्षा देने से, जिनके एड्रेस पर एडमिट कार्ड पर गलत एड्रेस आ गया था, तो उन्होंने जो ना बताया अभी चेयरमैन ने कि यदि किसी के एडमिट कार्ड पर तकनीकी गलती की वजह से जो ना वह छात्र एडमिट कार्ड पर तकनीकी गलती की वजह से वह एग्ज़ाम देने से वंचित रह गया तो आयोग कार्यालय में लिखित तौर पर इसकी जानकारी दे सकता है। इस संदर्भ में आयोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को लिखेगा और पूरे प्रकरण पर निर्णय जो है NTA को ही लेना है। उन्होंने कहा सिंहसार के एड्रेस का एक मामला आया था और अन्य किसी भी जगह का इस तरीके की दिक्कत हुई तो आयोग को अप्लीकेशन दी जा सकती है या दे जिनका भी जो है एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET के लिए 10.78 लाख अभ्यर्थियों की ओर से दी गई जानकारी का ऑडिट करवाया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बेंगलुरु की एक कंपनी को इस काम का जिम्मा दिया है। कंपनी 15 दिन में HSSC को ऑडिट रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें पता लगाया जा सकेगा कि परीक्षार्थी ने आवेदन के समय जो डिटेल्स दी थी क्या वह सही है। भले ही 10.78 लाख में से 7.53 लाख ने ही CET दिया हो, लेकिन ऑडिट से भी अभ्यर्थियों का होगा। इससे यह मालूम हो जाएगा कि कितने परीक्षार्थियों ने गलत डिटेल देने के बाद परीक्षा नहीं दी। ऑडिट से यह भी जानकारी पता चलेगी कि कितने फार्म पर एक परीक्षार्थी की फ़ोटो लगी है और एग्ज़ाम देने कौन आया है। साथ ही परीक्षार्थी द्वारा एक से अधिक फार्म भरे हैं तो सिग्नेचर भी चेक किए जाएंगे। डाटा मिसमैच होने पर संबंधित परीक्षार्थी पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में NTA को यह डाटा HSSC को देना है। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि यह ऑडिट पारदर्शिता के साथ कराया जा रहा था कि रिजल्ट आने से पहले ही पता चल जाए किसी ने किसी तरह की गड़बड़ी की कोशिश की है। तो 5 और 6 नवंबर को NTA की देखरेख में ये टेस्ट जो है वो आयोजित करवाया गया था दोस्तों। तो यही है कि भी जो जितना भी डाटा है उसकी जो है ना दोस्तों आइडेंटिफिकेशन की जा रही है कि कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है, गलती तो नहीं है। इसलिए यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने इस वीडियो में आपके सामने शेयर की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।